वेलकम टू टू जूलॉजी क्लास विद दिव्या। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द WBC प्रॉपर्टीज के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। तो न्यू बॉर्न के केस में देखा जाता है कि WBC का जो काउंट रहता है वो रहता है 20,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, और चिल्ड्रन के केस में देखा जाता है 10,000 to 15,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। और लिकोसाइटोसिस और एक प्रॉपर्टीज है WBC का। तो लिकोसाइटोसिस क्या है, जब लास्ट में देखना कि रहेगा सिस टाइप का रहेगा तो याद कर लेना कि वो इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज इन टोटल लिकोसाइट को कहते हैं लिकोसाइटोसिस। वो कब होता है, अकर्स इन कंडीशन दैट इज इन्फेक्शंस, एलर्जी, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, ग्लैंडुलर फीवर, इस केस में लिकोसाइटोसिस देखा देता है। अब लिकोमिया, अबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन लिकोसाइट। तो इस केस में लिकोमिया केस में क्या रहता है, अबनॉर्मल कंडीशन की तरह वो बढ़ जाता है, अनकंट्रोल्ड इंक्रीज रहता है, तो इसको ब्लड कैंसर भी कहते हैं। और लिकोपिनिया जो है वो डिक्रीज करता है जब टोटल WBC काउंट, तब इसको लिकोपिनिया कहते हैं। तो याद रखो, पिनिया जब लास्ट को आएगा तो डिक्रीज हरदम होगा, जैसे कि सीस केस में इंक्रीज होता है और पिनिया केस में डिक्रीज होता है। वो अकर्स करता है एनाफाइलेटिक शॉक में, किरोसिस ऑफ लिवर में। किरोसिस ऑफ लिवर क्या है, जब अल्कोहल ज़्यादा ड्रिंक करने से ये दिखाई देता है, ये डिजीज, इसको कहते हैं किरोसिस ऑफ लिवर। डिजर्ड ऑफ स्प्लीन, पेरिसियस एनीमिया जो कि विटामिन डिफिशेंसी डिजीज है, और टाइफॉइड एंड पैराथायरॉयड वायरल इन्फेक्शन, ये सब लिकोपेनिया केस में दिखाई देता है। अब इसोनोफिलिया, तो फिलिया जो है तो इसोनोफिल, ये भी याद रखो, जब फिलिया टाइप का रहेगा तो हरदम इंक्रीज होगा, तो इसोनोफिलिया केस में इंक्रीज रहेगा, इसोनोफिल इंक्रीज करता है। और अकर्स करता है आस्थमा एंड अदर एलर्जिक कंडीशंस, ब्लड पैरासिटिज्म दैट इज़ द मलेरिया एंड फिलेरियासिस, इंटेस्टिनल पैरासिटिज्म, स्कारलेट फीवर, ये सब केस हैं। तब बासोफिलिया आएगा, बासोफिलिया जो है इंक्रीज इन बासोफिल, तो फर्स्ट लेटर है बासोफिल, तो इसलिए ये इंक्रीज करता है बासोफिल। तो याद रखने में इजी होगा कि बासोफिल है तो ये होगा इंक्रीज इन बासोफिल होगा, ठीक है। और फिलिया है तो इसलिए इंक्रीज होगा, और बासोफिल है तो बासोफिल ही इंक्रीज होगा। अकर्स इन स्मॉल फॉक्स, चिकन फॉक्स, पॉलीकाइथेमिया भरा, ये सब केस में। मोनोसाइटोसिस, इंक्रीज इन मोनोसाइट, कब अकर्स करता है, ट्यूबरकुलोसिस, साइफिलिस, मलेरिया, काला जर, ग्लैंडुलर फीवर, ये सब केस में। लिम्फोसाइटोसिस, सीस है और लिम्फोसाइट है तो इंक्रीज इन लिम्फोसाइट। अकर्स इन डायप्थेरिया, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, मॉम्स, माल न्यूट्रिशन, रिकेट्स, सिफिल्स, थायरोटॉक्सिकोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब है डिजीज, तो डिजीज को याद रखना। न्यूट्रोफिनिया, तो न्यूट्रो है तो न्यूट्रोफिल होगा, पिनिया है तो डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन न्यूट्रोफिल। अकर्स इन बोन मैरो डिजर्डर्स, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, विटामिन डेफिशिएंसीस, ऑटोइम्यून डिजीज, इसोनोपिनिया, डिक्रीज इन इसोनोफिल। अकर्स करता है कॉस्टिंग सिंड्रोम में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, स्ट्रेस, प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स सच एज स्टीरॉइड्स, ACTH, एपिनेफ्रिन। बासोफिनिया जो है वो है बासोफिलिक लिकोफिनिया, जो कि है डिक्रीज करता है बासोफिल काउंट। तो अकर्स कब करता है, ओर्टिकरिया दैट इज द स्किन डिसऑर्डर, स्ट्रेस, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू केमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी में, ठीक है। मोनोसाइटोपिनिया जो है डिक्रीज इन मोनोसाइट, अकर्स कब करता है, प्रीडेनिसोन दैट इज इम्यूनो सप्रेशेंट स्टीरॉयड, एड्स, क्रोनिक लिम्फोइड लिकोमिया में। और लिम्फोसाइटोपिनिया डिक्रीज इन लिम्फोसाइट, दैट इज ऑकर्शिन एड्स, हॉजकिंस डिजीज दैट इज द कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम का है। माल न्यूट्रिशन, रेडिएशन थेरेपी, स्टीरॉयड एडमिनिस्ट्रेशन। और एक प्रॉपर्टी से दैट इज डायपेडेसिस। तो क्या है डायपेडेसिस, एक प्रोसेस है जिसमें लिकोसाइट स्क्वीज करता है, किसके माध्यम से, नियरो ब्लड वेसल के माध्यम से। और एक प्रॉपर्टी से दैट इज द एमोबॉइड मूवमेंट। तो न्यूट्रोफिल
एंड मोनोसाइट लिम्फोसाइट ये करते हैं इस मूवमेंट अमोबा टाइप का। कैरेक्टराइज्ड बाय जो कि कैरेक्टरिस्ट किसके बारे में होता है, दैट इज द प्रोटेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड चेंज इन द शेप। शेप जो चेंज होता है और प्रोटेशन होता है साइटोप्लाज्म जो प्रोटेशन होता है, तो इसके माध्यम से ये कैरेक्टराइज्ड हुआ है। केमोटैक्सिस और एक प्रॉपर्टी से दैट इज द अट्रैक्शन ऑफ जो डब्ल्यू बी सी टूवर्ड्स किस में, इंजर्ड टिश्यू में। इंजर्ड टिश्यू जो होता है उसमें डब्ल्यू बी सी अट्रैक्ट होके जाता है किसके माध्यम से, केमिकल सब्सटेंस के माध्यम से जो कि रिलीज होता है इंजरी से। और फैगोसाइटोसिस क्या है, तो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स ये क्या करते हैं, फॉरेन बॉडी को एनगल्फ करते खाते बाय मीन्स फैगोसाइटोसिस। ये फैगोसाइटोसिस के माध्यम से ये क्या करते हैं, फॉरेन बॉडी को ले जाते हैं अपने अंदर जिसको एनगल्फ करते हैं, और ये है फैगोसाइटोसिस। तो ये था अबाउट द डब्ल्यू बी सी प्रॉपर्टीज। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।